अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मलिक ब्लॉगर टर्की जी। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अपने अपने घरों में अपने अपने फैमिली के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, शादोआबाद होंगे जी। तो फ्रेंड्स, आज मेरा था प्रोग्राम अनकरा का बाई रोड, तो मैं तो साथ में मेरे एक फ्रेंड थे, हम दोनों गए अनकरा कुछ काम से। तो हमारी जो जर्नी थी सुबह 6:30 बजे शुरू हुई, तो ये तकरीबन अनकरा और इस्तांबुल तकरीबन 4.5 घंटे का रास्ता है, और ये है डिस्टेंस तकरीबन 444 किलोमीटर है। अगर आप मैप पे भी देखें इसको, अनकरा को और इस्तांबुल का डिस्टेंस तो इतना ही है, ठीक है। और इसकी जो रोड जर्नी है ये भी तकरीबन 4.5 घंटे की है। तो यहाँ सुबह 6:30 बजे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। यहाँ पर सुबह सुबह का अर्ली व्यू है, क्लाउडी डे है, आगे चल के हल्की हल्की बारिश भी हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस ब्लॉग में मेरा टोटल जो ये जो सफ़र है सिर्फ ये इस्तांबुल का ही है। फिर जैसे हम लोग अनकरा एंट्रेंस पे आते हैं तो वो फिर मैंने अलग से ब्लॉग उसका बनाना है, क्योंकि अगर मैं वो इसके साथ मिक्स करता तो ये एक लंबी वीडियो बन जाती, और फिर ज़ाहिर है फिर आप लोग भी बोर हो जाते, इतनी वीडियो कोई देखता भी नहीं, ठीक है। तो लेकिन जो मकसद है वो कहने का ये है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके खूबसूरत मनाजिर है, क्लाउडी डे है, रोड जर्नी है, यहाँ पर आप देखें खूबसूरत सीनरीज हैं यहाँ पर, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये अभी देख रहे हैं अर्ली व्यू है इसका मॉर्निंग का, बड़ा ज़बरदस्त ही इसका वो है, देखने में भी इसको मज़ा आ रहा है, और हम लोग जब गए थे हमने इंजॉय भी इसको बहुत किया। जी तो फ्रेंड, इस वक्त जो है हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो है हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है, तो क्लाउडी वेदर भी था, आपको नज़र आ ही रहा है, तो हल्की बारिश शुरू हो गई। ये बारिश काफ़ी रास्ते तक रही है। तो ये जो है एक पुल है बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ का ये एक ब्रिज है, ये भी आप ज़रूर इसको देखें कि ये इसको इस ब्रिज को जो है नाइट में जब इसकी लाइट्स ऑन होती हैं तो ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत ब्रिज है ये। यहाँ पर जो है लोग आते हैं इस ब्रिज को देखने आते हैं, यहाँ पर नीचे जो उनसे समंदर है, यहाँ पर फेरीज चलती हैं, शिप्स चलते हैं यहाँ पर, तो बड़ा ज़बरदस्त ये व्यू था। मैंने कहा चले आपके साथ ये भी इसको शेयर करते हैं, और आगे इसको ब्रिज को देखें आप, इसको बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है ये। जी तो फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर आ रही हैं टनल, टनल का ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है, आप भी इसको देखें एंजॉय करें, और टनल के साथ ही बाहर निकलते ही सिटी का जो है ये खूबसूरत मंज़र है, व्यू है, ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है सारा इस्तांबुल है।
जी तो फ्रेंड्स, ये अभी मेरे साथ ये राइट पे आप देखें, यहाँ पर समंदर है, समंदर में अंदर अभी ये इतना जूम तो नहीं है क्योंकि गाड़ी भी चल रही थी, तो समंदर में भी सारे शिप्स खड़े हैं, फेरीज खड़ी हैं, यहाँ पर छोटी बोट्स वगैरह हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त इसका व्यू था। आप भी इसको देखें, इंजॉय करें। जी तो फ्रेंड्स, आप लोग इस व्यू को एंजॉय करें। अगर आप मेरे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर जो है बादल जो है ज़मीन पर आ चुके हैं, बिल्कुल पहाड़ों पे, रोड पे तो नहीं लेकिन पहाड़ों पे जो है बादल बिल्कुल ज़मीन पे लगे हुए हैं और बड़ा खूबसूरत ये मंज़र है। अल्दो कि ये साइड पे थोड़े से दरख्त वगैरह थे वो सही तरह से कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आप देखिए खूबसूरत मंज़र है, धूप निकल चुकी है, बादल भी कम हो चुके हैं और जो है बड़ा दिन भी चढ़ चुका है, बड़ा खूबसूरत व्यू है ये।
जी तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम जस्ट नज़दीक है, अनकरा के बिल्कुल नज़दीक हैं। अब अनकरा की जो एंट्रेंस है और उसका जो व्लॉग है, इन अनकरा की जो सिटी है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाऊंगा अनकरा का। तो इसके साथ ही फिर मुझे दें इजाज़त, फिर मिलते हैं अपने नए व्लॉग में जो अनकरा से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।